तो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 का ये तीसरे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो समीकरण दिया है उसका हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, देन हमको सॉल्व करना है उसको बजगुणन विधि से। अब बारी बारी से दोनों विधि से हल तो करना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा ईजी है या ज़्यादा सही है, ये भी बताना है हमको। तो सबसे पहला जो हम विधि का प्रयोग करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि, जिस इससे पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टरों में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा है। तो प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ से समझो बात को। दो समीकरण है हमारे पास, समीकरण एक और समीकरण दो। प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको x बराबर चाहिए। क्या चाहिए, या तो x बराबर निकालो या y बराबर निकालो। कहने का मतलब क्या है, यदि x बराबर निकालते हैं तो इसका मतलब x का मान y के पदों में लिख रहे हैं, इसको ये बोलते हैं, और y बराबर निकालते हैं तो इसका मतलब है कि y का मान x के पदों में लिख रहे हैं। अब बोलने से बहुत ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, करेंगे तो पल्ले पड़ेगा। यहाँ पर करना क्या हमको, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, क्या आ जाएगा समीकरण एक सबसे पहले लिख लो 8x + 5y = 9। हमने क्या कहा, हमको सिर्फ और सिर्फ x बराबर ही चाहिए, बाद बाकी सारे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे इस वाले टर्म को, जो प्लस के बाद वाला या माइनस के बाद वाला टर्म है, इसको एक बार में पूरा दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये 8x बराबर प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, 9 - 5y, ये हो गया तुम्हारा। अब 8 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, गुणा का। तो यहाँ पर क्या करना है, x बराबर यदि हम 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये इसके भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 5y और बट्टे में यहाँ पर 8 कर लेंगे। देखो इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। हमने क्या किया, हमने पहले ही बोला था कि हमको क्या करना है, या तो x बराबर निकालना है पहले या y बराबर निकालना है, तो हमने यहाँ पर x बराबर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये जो x बराबर हमने मान निकाला है यहाँ पर, इस मान को समीकरण दो में रख देना है। किस में रखना है, समीकरण दो में रखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर। तो समीकरण दो क्या है हमारे पास, समीकरण दो है 3x + 2y = 4। देखो सिर्फ और सिर्फ x को छेदना है और किसी को कुछ नहीं करना है। x के जगह पर अपना आ जाएगा 9 - 5y / 8, 3 का 3 है, 3 × x है यहाँ पर, 3 का 3 है, गुना ले लिया हमने, ये हो जाएगा 9 - 5y / 8। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 2 है 2y लिख देंगे, चलो हो गया हमारा। अब 3 से तो 8 यहाँ पर डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि 9 को 3 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 27 - 5 को 3 से गुना करेंगे 15y और बट्टे में यहाँ पर 8 प्लस में 2y और देखो इसके नीचे में 1 होगा बराबर में 4। एक स्टेप और ले सकते हैं नीचे, बिल्कुल यहाँ पर 8 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, 1 को 27 - 15y से गुना कर देंगे तो ये होगा 27 - 15y। प्लस ले लेंगे यहाँ पर प्लस है तो 1 से भाग देंगे 8 में, 1 × 8 = 8 यानी 8 बार में लगेगा, 8 को गुना करेंगे 2y से तो ये होगा 16y = 4। अब आ जाते हैं इस तरफ, देखो यहाँ से ये क्या है, ये है 27, ठीक है। अब यहाँ देखो 15y है, 16y, 16y में से 15y घटा देंगे तो 1y बचेगा, यानी 27 + y हो जाएगा 27 + y बट्टे में 8 है तो बट्टे में 8 लिया हमने बराबर में 4, ये आ गया हमारा। अब देखो इसके नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोना कोनी गुना, ये होगा 27 + y = 38। यहाँ से निकल के आएगा तुम्हारा वाई बराबर, इस 27 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, मतलब 32 में से हम 27 घट जाएगा, तो कितना निकल के आया वाई का मान, 5। वाई का मान कितना निकला, 5। अब ये जो वाई का मान निकाला है इसको समीकरण थर्ड जो कि हमने निकाला था ना एक्स बराबर 9 - 5y / 8 इसमें रख देना है। आ जाओ वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो ये है हमारा एक्स बराबर 9 - 5y / 8, 9 - 5 और वाई बराबर निकाला हमने 5 / 8 बराबर, यहाँ देखो
9 माइनस 25 हो जाएगा, बट्टे में 8 हो जाएगा। 25 में से अगर 9 हटा दिए तो माइनस 16 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि माइनस 25 है और प्लस में 9 है, बट्टे में 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से हमारे पास जो बच रहा है x का मान 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, वज्रगुणन विधि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x का मान हमने निकाला है यहाँ पर माइनस 2 और y का मान निकाला है 5। अब करना है कौन सी विधि, अब देखना है वज्रगुणन विधि। और वज्रगुणन विधि में क्या यही मान आएगा, बिल्कुल आएगा यही मान, क्योंकि मेथड अलग है, मान तो वही आना है। तो समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण है 8x प्लस 5y, और देखो इस 9 को क्या करते हैं अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 9 बराबर 0। दूसरे समीकरण को देखेंगे, ये है 3x प्लस 2y, और 4 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 4 बराबर में 0, समीकरण 2। देखो वज्रगुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहली बात जो तुमको करना है ना, वो क्या करना है, वही वाला काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले a1 b1 a2 b2, ठीक है, a1 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 a2 b1 b2, और c1 c2 तुमको पता होना चाहिए, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला a1 का मान देखेंगे, समीकरण एक में जो x का गुणांक है क्या है, 8 है, वही a1 है, तो ये 8 हो गया। समीकरण एक में जो y का गुणांक है जो 5 है, वही b1 है, ये हो गया 5। समीकरण एक में जो अचर पद है जो कि माइनस 9 है, ये हो गया c1। इसी तरह से समीकरण दो में आएंगे x का गुणांक जो कि 3 है, ये हो जाएगा a2। समीकरण दो में जो y का गुणांक है वो जो 2 है प्लस में, वो हो जाएगा b2, और जो अचर पद है माइनस का 4, ये हो जाएगा c2। यहाँ से हमने निकाल लिया a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अब क्या करना है, अब लिखेंगे वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि से। देखो वज्रगुणन विधि से तुमको एक बात याद रखना है, बाकी सारा खत्म हो जाएगा, टेंशन कुछ नहीं है, बन जाएगा। कौन सी बात याद रखना है, हमेशा इससे शुरू करो, b1 b2 से b1 रखना है, फिर b2 लिखना है, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। तुमको क्या समझ में आया, अपन को b1 b2 से शुरू करना है, फिर b1 b2 तक ही पहुंच जाना है, इस प्रकार से तुमको लिख लेना है, ठीक है। और ये पूरा लाइनिंग ले दो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर x डालो, यहाँ पर y डालो, यहाँ पर 1 डालो, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ठीक है, कोना कोनी गुना होगा, ठीक है, और बीच में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह। अभी समझ में आएगा, तुमको समझा रहे हैं ना, समझ में आएगा। देखो यहाँ से ये सारा मान तो पहले क्या करना है, जो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिया है ना, इसको सबसे पहले यहाँ ये जो हमने बनाया है पूरा इसमें रख लेना है। तो आ जाओ, सबसे पहले b1 b2 लेंगे तो 5 और 2 होगा, 5 और 2, फिर लेंगे यहाँ पर c1 c2 -9 -4 -9 -4, फिर लेंगे a1 a2 ये आएगा 8 और 3, फिर b1 b2 आएगा, फिर आएगा 5 और 2। तो इस तरह से हमने क्या कहा, लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर x रखेंगे, यहाँ पर y और यहाँ पर 1, फिर ये वाला काम जैसे जैसे करते जाना, करते जाना, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा सवाल, क्यों नहीं बनेगा सवाल, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब समझो बात को, अब समझने वाली बात है, ये तो हमने सिर्फ मान रखा, जो जो मान था वो हमने रख दिया, अब समझने वाली बात है, करना क्या है, x बट्टे लिखना है हमको, 5 को -4 से गुना करो, कितना होगा, 5 × -4, तो माइनस या लिख लो इसे 5 × -4, और बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, तुमको पता होना चाहिए क्या होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 × -9, 2 × -9 बराबर ले लेंगे, ठीक है, फिर y बट्टे हो जाएगा, यहाँ देखो -9 × 3 -9 × 3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर -4 × 8 -4 × 8, फिर बराबर का चिन्ह, 1 बट्टे 8 × 2 8 × 2 प्लस 5 × माइनस होगा ना बीच में, -5 × 3 5 × 3, ये कर लेना है तुमको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x, अब 5 को -4 से गुना करेंगे -20 होगा, और फिर 9 दूनी, ये माइनस है तो माइनस रहने दो, 9 दूनी -18
ठीक है जी, बराबर में आ गया। फिर y बट्टे माइनस नौ को तीन से गुना करेंगे माइनस सत्ताईस होगा, माइनस है तो माइनस रहने दो, अड़चो का माइनस बत्तीस बराबर में एक बट्टे आठ दूनी सोलह, माइनस है तो माइनस रखेंगे, पाँच दिया है पंद्रह, ये आ गया। ठीक है, अब जगह कम पड़ रहा है तो इधर देख ले हम, आ जाओ इधर देख लेते हैं। देखो यहाँ गौर से देखना, यहाँ x बट्टे लिखेंगे, x बट्टे में माइनस बीस है, और देखो यहाँ से कोष्ट के अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, कोष्ट खुलेगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर क्या है अठारह, तो अठारह हो जाएगा ये बराबर में y बट्टे, यहाँ पर गौर से देखना माइनस सत्ताईस है और ये होगा माइनस और माइनस, फिर बाहर माइनस अंदर माइनस, कोष्ट के बाहर माइनस है अंदर माइनस है, मतलब प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बत्तीस बराबर वन बट्टे में क्या हो जाएगा सोलह में से पंद्रह घटाएंगे वन, ये हो गया। अब बारी बारी से करना क्या है तुमको, एक्स बट्टे ये हो जाएगा बीस में से अठारह घटा दो माइनस दो बराबर वाई बट्टे सत्ताईस में से बत्तीस घटा दो तो कितना हो जाएगा प्लस में बत्तीस माइनस में सत्ताईस, मतलब बत्तीस माइनस सत्ताईस ये होगा पाँच और बराबर में एक बट्टे एक। एक बार इसको इसके बराबर लो, एक्स माइनस दो बराबर में एक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बराबर माइनस दो तथा वाई बट्टे फाइव बराबर एक, इसका मतलब वाई बराबर हो जाएगा पाँच। देखो गुना गुनी गुना हो रहा है ना, एक्स को एक से गुना किए एक्स, माइनस दो को एक से गुना किए माइनस दो, फिर वाई बट्टे फाइव है, फाइव को वन से गुना किए फाइव, वाई को वन से गुना किए वाई, इस तरह से देखो दोनों ही मेथड से क्या आ रहा है, मान अलग नहीं है, मान तो वही आ रहा है, मान बिल्कुल वही आएगा।